क्या नाम है जी आपका? हाँ भैया, मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं भानु की किसान यूनियन से ग्राम अध्यक्ष हूँ। गांव में 35-40 साल पहले तार कटे थे। कौन सा गांव है आपका? गोबिला। अच्छा, समस्या बताएं आप। समस्या ये है, 35-40 साल पहले है का गांव में लाइन खींची थी, तार बिल्कुल जर्जर हो गए हैं। पहले भैंस मर चुकी हैं, दो भैंस मर चुकी हैं इससे लाइन से, और अब है का बच्चे बच गए। 4 दिन हो गए लाइन कटी पड़ी है, पूरी टूटी पड़ी है जर्जर, और बिजली विभाग को सुनाई नहीं करता। डेली भहका देते हैं, शाम को आना, सुबह को आना, 4-5 दिन हो गए चक्कर काटते काटते, कोई सुनाई करके नहीं देता यहाँ पे। आपने कितनी बार कहा है? मतलब 3-4 बार कंप्लेंट दे चुके हैं जे, और 5-7 दिन आ चुके हैं। 10-10-20-20 लोग आमे हम, दो जेई साहब डेली भहका देते हैं। यहाँ के जेई साहब का क्या नाम है? नाम नहीं पता है। यहाँ के बिजली विभाग के जो जेई साहब है, नईम खान है का, ये बिल्कुल सुनाई नहीं करते हैं, डेली भहका देते हैं हमको, और फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं। क्या कहना है उनका, शाम को आ जाना, करवा दूंगा, किसी को भेजते नहीं है वो। पुराने तार लगवा। क्या नाम है आपका? मनीष परमार, ग्राम गोबला से। क्या समस्या है ये बताइए? समस्या है कि 35-40 साल पहले हमारे गांव में लाइन खींची हुई थी, जो कि आज बिल्कुल जर्जर हालत में है। मैं 4-5 बार आ चुका हूँ यहाँ पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जेई साहब, मैं कल भी आया था और जेई साहब यहाँ पर पहुँचे नहीं, मैं उनसे बात करना चाहता था, उन्होंने फोन भी अटेंड नहीं किया। जो भी बिजली विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी हैं, वो आकर मेरे किसान यूनियन भाइयों से और हमसे बात करें और हमारी समस्या का समाधान हो, नहीं तो हम इसे उग्र आंदोलन के रूप में यहाँ से लेकर लखनऊ तक बात करेंगे हम। आप देख रहे होंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से, जहांगीरपुर क्षेत्र के गांव गोबला से आए किसानों ने बिजली के झज्जर पड़े तारों व बिजली समस्याओं को लेकर जहांगीरपुर बिजली घर पर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। रिपोर्ट विनय शर्मा, जहांगीरपुर।